हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको होली का दहन का शुभ मुहूर्त और होली मनाने के पीछे क्या कारण है आज हम आपको बताएंगे। भारत में एक त्योहार मनाया जाता है तो अगले दिन अगले त्योहार को मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अभी अभी महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ है और अब होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होता है। होली रंगों से सरोवर होने और मौज मस्ती मनाने का त्यौहार होता है। इस बार 2 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। फागुन माह में होली के एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। दोस्तों, इस बार होलिका का शुभ मुहूर्त आइए हम आपको बताते हैं। होली के एक दिन पहले शाम को होली का दहन किया जाता है। इस बार होली का दहन 1 मार्च को है, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 6:26 से लेकर 8:55 तक रहेगा। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसका प्रह्लाद नाम का एक पुत्र था। प्रह्लाद भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। वह नहीं चाहता था कोई उसके राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करे। वह अपने पुत्र को मारने का कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन बार बार असफल हो जाता था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रह्लाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को भेजा। होलिका को एक वरदान मिला था कि वह आग से नहीं जलेगी। तब हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने प्रह्लाद को गोद में बिठाकर आग में कूद गई, लेकिन प्रह्लाद ने लगातार भगवान विष्णु के जाप के चलते उन्हें कुछ नहीं हुआ और होलिका खुद आग में भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हो गई। फिर उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाने लगी, क्योंकि अगले दिन प्रह्लाद के बच जाने पर पूरे गांव में होली मनाई यानी खुशियां मनाई। तो दोस्तों, यह होली के पीछे एक कहानी थी जो आज हमने आपको बताई है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।